बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो है कि अगर कोई बंदा आपको प्लॉट, बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका इंतकाल कितना ज़रूरी है। इंतकाल अगर हम नहीं करवाते तो उस सूरत में हमें क्या नुकसान हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तकरीबन 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 95% ऐसे बंदे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज जो टॉपिक है कि इंतकाल क्यों ज़रूरी होता है। इंतकाल जो है वो अक्सर औकात जब बंदा कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो मोस्टली क्या होता है कि देहाती एरिया में डायरेक्ट जो है वो इंतकाल ही करवा लेते हैं, रजिस्ट्री की तरफ वो रुजू नहीं करते। तो इस सूरत में क्या बेहतर है या रजिस्ट्री करवा कर इंतकाल करवाना चाहिए? अगर कोई बंदा देहाती इलाके में डायरेक्ट इंतकाल दर्ज करवा देता है तो ये रजिस्ट्री से बेहतर है, मगर आप अगर रजिस्ट्री करवा कर इंतकाल दर्ज करवाते हैं तो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि इंतकाल को खारिज करवाना, इंतकाल को ख़त्म करवाना जो है वो आसान होता है। मगर यहाँ पर हमने बात करनी है कि क्या रजिस्ट्री की जो है वो करवा कर इंतकाल करवाना ज़रूरी होता है। अगर हम रजिस्ट्री किसी भी डॉक्यूमेंट की तैयार करवाते हैं तो पावरफुल दस्तावेज़ात जो होती हैं उसे रजिस्ट्री का ही नाम दिया जाता है। इंतकाल इतना पावरफुल नहीं होता मगर इंतकाल की अहमियत ज़रूर होती है। ये नहीं कहेगा आप इंतकाल नहीं करवाते, आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपके नाम टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है और आप अब इंतकाल ना करवाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंतकाल दर्ज नहीं करवाते, बेसिकली इंतकाल दर्ज करवाना जो होता है वो महकमे की जिम्मेदारी होती है, मगर आजकल महकमा जो जितने भी हमारे पटवारी हजरात हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपका जो इंतकाल होता है वो सालों साल दर्ज नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं, जब रजिस्ट्री करके आप करवाते हैं तो उसके चंद दिन बाद आप उस रजिस्ट्री के हिसाब से जाकर पटवारी में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर आप वहां पर अपना जो है वो इंतकाल दर्ज खुद करवाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो इतनी आसानी से नहीं करता। जो आजकल हमारे डिपार्टमेंट के हालात चल रहे हैं, जो पटवारी हजरात हैं या अराजी सेंटर है, तो इन दोनों में अगर आप जाते हैं जब तक आप जाकर वहां पर फोर्स नहीं करते, आप उनको कहते नहीं हैं जनाब हमारा ये जो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, हमारी रजिस्ट्री पास हो गई है, तो प्लीज़ आप हमारा जो है ये इंतकाल दर्ज करवा लें। वो उस वक्त इंतकाल दर्ज करते हैं जब उनको जो बहुत पुरानी उनको लत पड़ी हुई है कि उनको कुछ रुपया पैसा देना ही पड़ता है। इवन के कोई एडवोकेट या कोई ऐसा महकमे का बंदा भी जाता है या उनको भी जाकर वहां पर इस इंतकाल के इवज जिसकी फीस जो है वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं रखी हुई, जो उसकी जो थोड़ी बहुत फीस बनती है वो आप रजिस्ट्री की मद में दे चुके होते हैं, उसके साथ ही वो तमाम फीसें जमा करवा चुके होते हैं, मगर फिर भी वहां पर जाके आपको जो है वो इस पूरे सर्कल इस सोसाइटी का हिस्सा होने की वजह से आपको वहां पर जाकर पैसे देने पड़ते हैं। इस हकीकत से सब आशना है। अब इस हवाले से कि अगर हम इंतकाल दर्ज नहीं करवाते, हमने इंतकाल दर्ज नहीं करवाया, हमने रजिस्ट्री करवा के घर बैठ गए हैं, तो इससे हमारे जो भी हमने जो जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो भी हमने प्लॉट खरीदा है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी जो है, जो उसकी आपकी मलकियत है, वो थोड़ी कमज़ोर रहेगी। किस तरह कमज़ोर रहेगी? आप जब तक उसका अंदराज नहीं करवाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तब तक आपकी मलकियत शो ही नहीं होती। आप जब तक इंतकाल दर्ज नहीं होता तब तक आपकी मलकियत शो नहीं होती, तब तक उस बंदे की मलकियत ही शो हो रही होगी जिस बंदे ने आपको वो जमीन बेची है। तो इसलिए आप खुद जाकर पटवारी के पास इसका इंतकाल जो है वो दर्ज करवाएं और रजिस्ट्री के ऊपर साइड पे अपर साइड पे एक इंतकाल नंबर दर्ज करके वो लिख देंगे कि फलां इंतकाल नंबर आपका है।
उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए आप एक मुसद्दका कापी भी निकलवा सकते हैं कि पता चल जाए कि क्या आपने वो आपका इंतकाल जो है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये एक प्रोसेस था इंतकाल दर्ज करवाने का और उसकी अहमियत का। अब दूसरा हिस्सा है कि अगर आप इंतकाल रजिस्ट्री का नहीं करवाते, जमीन का इंतकाल दर्ज नहीं करवाते, तो उसका नुकसान क्या होगा। पहला नुकसान ये होता है कि आपके नाम पर अराजी सेंटर में या पटवारी के रिकॉर्ड में आपकी कोई मलकियत शो नहीं हो रही। वो बंदा जिसने आपको जमीन बेची है वो दोबारा फिर उसकी एक कॉपी निकलवा सकता है, वो निकलवा कर एक फर्द बै दोबारा फिर जारी करवा सकता है, उसको दोबारा सेल कर सकता है, एक से ज्यादा बंदों को सेल कर सकता है, जिससे आपकी मलकियत और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मसला हो सकता है। वो किसी को बेच दे, वो आके आपसे मुतालबा करे ये जमीन हमने खरीदी हुई है। तो इस तरह के इंतशार इतना लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हमेशा जमीन का पहले रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद उसका इंतकाल दर्ज लाजमी करवाएं और उसको फिर चेक करें कि क्या इंतकाल दर्ज हो गया है कि नहीं हो गया। उसके बाद दूसरा नुकसान बड़ा क्या होता है कि फर्ज कर लें कि आपने वो नहीं करवाया इंतकाल दर्ज, वो बंदा किसी और को भेज देता है, इस चीज को साबित करते हुए कि आपके पास जो रजिस्ट्री है ये जेन्युइन है और इंतकाल दर्ज नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये फलां फलां जो है वो मसाइल पेश आए, तो इस चीज को साबित करते हुए आपको कई कई साल लग सकते हैं, आपका पैसा जाया हो सकता है, आप वकील करेंगे, उसके बाद वो अदालती कार्रवाई चलेगी। अगर आपके पास उसका जो जमीन आपने ली है, ये जो मकान लिया है उसका अगर आपके पास कब्जा नहीं है तब भी ज्यादा मसाइल पैदा होंगे, अगर कब्जा है तो फिर भी उसके लिए मसला तो है, आप किसी को सेल नहीं कर सकते, आपको आए दिन कोई ना कोई बंदा तंग करेगा। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपको इंतकाल दर्ज लाजमी करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको केस चलता है आपके पैसे का ज्या, आपके टाइम का ज्या, और इसके अलावा अगर वो केस अक्सर बात आपके सिविल कोर्ट से लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस चलते हैं, तो इसलिए बेहतर यह है जब भी आप कोई भी जमीन खरीदें तो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार करने के फौरन बाद इंतकाल लाजमी दर्ज करवाएं। और इंतकाल आमतौर पर देहातों में सबसे पहले दर्ज करवा दिया जाता है, रजिस्ट्री वो नहीं करवाते, ये भी बेहतर है, मगर सबसे बेहतर ये है कि आप पहले रजिस्ट्री करवाएं फिर इंतकाल दर्ज करवाएं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा हासिल होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।